अच्छा, अभी हम लोग अटाला नरूला रोड के एरिया में है। यहाँ हम लोगों ने 50 सेक्टर्स बनाए हैं और हर सेक्टर में पर्याप्त फोर्स, पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने हर जगह हमारे बैरियर्स लगाए हैं और पूरे क्षेत्र की हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या फोर्स लगा रखी है। फोर्स के अलावा भी जो यहाँ पर जितने भी मुतवली है, पेश इमाम है या गणमान्य नागरिक है, निरंतर हमारा उनसे संवाद जारी है और सभी को हमने आश्वस्त किया है और उन्होंने सब पूरे सारी जनता को आश्वस्त किया है। और इसी का बदौलत आप देख सकते हैं कि आज मार्केट पूरे तरीके से अच्छे से ओपन है और हमारी पूरी तैयारी है और चीज़ें और स्थितियाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण। पिछले जुमा की घटना को देखते हुए अमन व अमान के लिए हर पॉसिबल कोशिश की जा रही है। इसमें दोबारा सभी धर्मगुरुओं से, इमाम से, मदरसों के मुदर्रिस से, मुतवल्लियों से, खानकाह के सज्जादा नशीन से, दरगाह के लोगों से, सभी से संवाद किया गया, उनसे गुफ्तगू की गई, बात की गई। सभी ने कहा कि जो भी हिंसा या ईंट पत्थर चले वो उसकी पूरी तरह से निंदा की जाती है। लड़कों को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, उनका भविष्य अंधकार में जाता है। ये सब अपीलें उन्होंने जारी भी की हैं, विजुअल्स जारी किए हैं, अपील जारी की है, उसको आम जनता में भेजा गया है। उसी के सिलसिले में आम जनता में एक सुरक्षा का वातावरण देने के लिए, महसूस कराने के लिए हमारे द्वारा, डीएम साहब के द्वारा, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा, एडीजी साहब के द्वारा, सभी के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है ताकि आम जनमानस में सुरक्षा का एक माहौल कायम हो। कल के लिए हमने बहुत सारे 200 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए हैं। फायर टेंडर की कई गाड़ियां रहेंगी, पानी के टैंकर्स रहेंगे। पहले की कंपैरिजन में 15 से 16 गुना ज़्यादा फोर्स तैनात की गई है। कई नई चीज़ें भी डाली गई हैं, जैसे MSL है, मल्टी सेल लॉन्चर जो RF ने नया लिया है, उसे एक साथ कई गोले फायर किए जा सकते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वैसे हमारा प्रयास है कि कोई शांति में कोई खलल ना पड़े ताकि हमें किसी पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत भी ना पड़े, नौबत भी ना आए, ऐसा कोशिश किया गया है। और कल भारी संख्या में पुलिस बल जगह जगह पर रहेगा, संवेदनशील इलाकों में रहेगा, तिराहों चौराहों पर रहेगा, सभी की चेकिंग की जाएगी। एक बाइक पे 3 सवारियां जो हैं उन पर खासा नज़र रहेगी, बिना नंबर की गाड़ियों पर नज़र रहेगी। इस तरह का काम किया जा रहा है। आज रात में तमाम होटल्स के, ढाबा सराय, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, मस्जिदों के आसपास, मंदिरों के आसपास, गुरुद्वारा और चर्च के आसपास, मदरसों के आसपास ये चेकिंग की जाएगी कि ऐसे कोई खुराफाती शरारती तत्व इन जगहों पे आके रह तो नहीं रहे हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.